डॉक्टर विकास पिलानिया है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में पल्मोनरी मेडिसिन में कंसल्टेंट हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड निमोनिया डे के बारे में। इस साल 12 नवंबर को पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जा रहा है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे मोटिव क्या है मनाने का। तो इसका सबसे बड़ा मोटिव है कि जो निमोनिया जो है, जो इन्फेक्शियस डिजीज है, उनमें सबसे बड़ा किलर है। हर साल कम से कम 450 मिलियन लोगों को निमोनिया होता है, जिसमें से 2.5 मिलियन लोगों की जान निमोनिया के कारण जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और अगर हम देखें तो ये कंबाइंड एड्स, मीजल्स एंड मलेरिया के कारण मरने वाले जो लोग हैं उनसे भी ज़्यादा है। तीनों से जितने ज़्यादा मौतें नहीं होती, उतनी उनसे ज़्यादा कहीं मौतें निमोनिया के कारण होती हैं। तो लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, लोग इसके लक्षणों को जल्दी पहचाने और जितना जल्दी हो सके मेडिकल हेल्प लें, जिससे उनकी जान को टाइम समय रहते बचाया जा सके। सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि जो 2.5 मिलियन डेथ्स, जो 2019 में 2.5 मिलियन डेथ्स जो निमोनिया के कारण नोटिस की गई, उनमें से 1/3 जो थे वो बच्चों में थे। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों के लिए बीमारी कितनी घातक होती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि निमोनिया होता क्या है। एक्चुअली निमोनिया जो है किसी भी इन्फेक्शन के कारण होता है। जो सबसे कॉमन कारण है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, दूसरा वायरल इन्फेक्शन है, तीसरा कुछ एटिपिकल होते हैं, क्रिएचर्स होते हैं, कुछ एटिपिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके कारण भी निमोनिया होता है। निमोनिया नवंबर के महीने में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो निमोनिया होने का सबसे कॉमन जो टाइम है, सबसे ज़्यादा सर्दी के दिनों में होता है। इसलिए जब नवंबर के टाइम में जब सर्दियाँ शुरू होती हैं, उस टाइम हर साल वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है, जिससे कि लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जा सके। अब हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण हैं निमोनिया के, जिनके होने पर आपको मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए और जिससे आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे को या मेरे बच्चे को निमोनिया तो नहीं है। तो इसमें सबसे कॉमन लक्षण तो है कि जो मरीज़ है उसको तेज़ बुखार आती है, जो कि सर्दी और कपकपी के साथ होती है मोस्टली। दूसरा, मरीज को खांसी होती है, गले में दर्द होता है और फिर उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अगर आपको खांसी बुखार है और जो बहुत ज़्यादा है और सांस में तकलीफ हो रही है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये निमोनिया हो सकता है। निमोनिया एक ट्रीटेबल डिजीज़ है, अगर समय रहते इसका उपचार किया जाए, जो एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, जो भी उसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म उसके अकॉर्डिंग देते हैं, तो आप पेशेंट की जान आराम से बचाई जा सकती है। तो मैं लास्ट में आप सभी को यही कहूँगा कि निमोनिया के लक्षणों को जल्दी से पहचानें, उनको हल्के में ना लें। अगर आपको खांसी बुखार जुकाम के साथ साथ अगर सांस में तकलीफ हो रही है, तो ये लक्षण आपके निमोनिया के हो सकते हैं। आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए और समय पर इलाज लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा। नमस्कार।